dear student, we have to discuss early childhood education for sustainable development in Chile. हम इससे पहले गुफ्तु कर रहे थे तुर्की तुर्की के बारे में और तुर्की के बारे में आपने देख लिया कि उसने ना सिर्फ ई सी ई जो है इस्टेब्लिश किया बल्कि उसका यूनिवर्सिटी लेवल पर एच ई सी ने टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम भी सेपरेट कर दिया अब हम थोड़ा फोकस करते हैं चिल्ली की तरफ और हम उन चीज़ों को देखना चाहेंगे कि चिल्ली ने अपना इसी सी करने के लिए कौन कौन से इकदाम किए सबसे पहले जो है एलोकेशन ऑफ द फंड्स चिल्ली की जब हम बात करते हैं तो उसके जो की करेक्टरिस्टिक्स हैं उनकी जो पहली गुफ्तु है वो हमारे पास है उन्होंने फंड एलोकेशन कितनी की चिली ने इसी ही के अंदर 1.3 और जीडीपी का 0.8 परसेंट जो है उसने फिक्स कर दिया फॉर द डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ द अर्ली चाइल्ड एजुकेशन अगरचे उसकी जो इनरोलमेंट थी वो इन्वेस्टमेंट से या इसके जो फिनंस या फंड्स जो एलोकेट किए हुए थे जितना उन्होंने टारगेट बनाया हुआ था उससे डबल हो गई और एक्सपेंडिचर जो पर स्टूडेंट्स उन्होंने कास्ट लगाई थी वो कंपेटिवली है ना वो दूसरे ममालिक के मुकाबले में उनकी लो थी लेकिन जो शेयर ऑफ द फंड था इसी के अंदर इस स्लटली ब्लो एवरेज जो दूसरे ममालिक खर्च कर रहे थे यानी कि जब हम दूसरे ममालिक बात कर रहे हैं हम बात करते हैं जो अब तक हमने बात की है कीनिया की हमने बात की है हमने यूके की बात की है यूएसए की बात की है हमने जापान की बात की है हमने तुर्की की बात की है मुख्तलि ममालिक जो है ना हमने बातें की हैं मुख्तलिफ अंदाज में कुछ ममालिक बात हमने डिटेल में की है कुछ ममालिक बात जो है हमने ज़रा मुख्तसर अंदाज में की है तो जितने भी ममालिक हमने बात की है उनके मुकाबले में चिली ने जो फंड्स एलोकेशन की थी उनका जो यूँ समझने कि उनका जो शेयर बनता था वो स्लाइटली जो एवरेज थी वो 15 परसेंट और 19 परसेंट रिस्पेक्टिवली बन रही थी इसका मतलब ये है कि उन्होंने अपने अर्ली चाइल्ड हुड एजुकेशन प्रोग्राम की स्टैब्लिशमेंट के लिए जो फंड्स हैं वो तो उन्होंने मुख्त कर दिए फंड्स फंडस मुख्त करने के बाद जो अगला मरहला आता है वो जैसे आपको पता है कि हमारा स्टेप बाय स्टेप अगर हम उसकी डिस्कस करें जिसको आगे जाके हम उसको डिस्कस भी करेंगे पहला मरहला जो है वो इसी के इस्टेब्लिशमेंट का है और उसके अंदर यह फैसला करना होता है कि इसे कहाँ के डे केयर सेंटर में इस्टेब्लिश किया जाए स्कूल्स के अंदर किया जाए स्कूल के अंदर इसको सेपरेट कर दिया जाए या इसका सेपरेट सेंटर बना दिया जाए पहला मरला वो होता है दूसरे मरहले में टीचर्स ट्रेनिंग की बात होती है कि उसके लिए जो टीचर्स चाहिए क्या वो टीचर्स ट्रेन है या नहीं है अगर तो टीचर्स ट्रेन है और वो ट्रेन ऑलरेडी अवेलेबल है तो वो स्कूल के लिए अवेलेबल हैं अब अगर उनको हमने फोकस करना है इसी के लिए तो उनको थोड़ा सा डिफरेंट वे होगा उनकी टीचिंग स्ट्रेटजी मुख्तलिफ होगी टीचिंग का कंटेंट मुख्तलिफ होगा स्किल्स मुख्तलिफ हैं जो उनको दी जानी है लिहाजा अगला वो मरहला आना है नेक्स्ट जो हमारे पास आएगा वो ये आएगा कि हायर एजुकेशन कमीशन के अंदर जो कोर्सेज लॉन्च हुए हुए हैं और जो करंटली टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रही है उन टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर जो इसी का टीचर होगा उसको कैसे एडजस्ट किया जाए और उसके बाद फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होगी फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करने के बाद हम जो नेक्स्ट बात करेंगे वो हम ये देखेंगे कि उसके अंदर जो आउटपुट आ रही है वो कितनी है और वो फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ अलाइंज कितना है इब्तदा जो की चिल्ली ने वो तो बहुत अच्छी की चिल्ली है यानी कि अगर हम आप देखें कि कोई भी काम शुरू करने से पहले और जितने स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं इन तमाम स्टेप्स के अंदर हम उसको परफॉर्म करने के लिए जो सबसे पहला काम है वो हमारे पास है फंड्स एलोकेशन का तो फंड्स एलोकेशन के जब बारे में हम देखते हैं तो चिल्ली ने एक सफिशेंट अमाउंट्स जो है वो इसी प्रोग्राम के लिए रख दी अब उसके अंदर मुख्त पैरामीटर्स हैं कि उसके अंदर जो है ना उसने टीचर ट्रेनिंग पर कितना खर्च किया उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कितना खर्च हुआ उसका क्या प्लान बनाया कि उस ये जो फंड उसने एलोकेट किए हैं जो इसी के लिए होंगे नेक्स्ट जो इसकी डिटेल्स हैं वो ये हैं कि वो फंड्स उनमें कितना फंड जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च होगा फिर दूसरे नंबर के ऊपर टीचर्स ट्रेनिंग पर कितना फंड्स खर्च होगा जो ऑलरेडी टीचर्स डेवलप हुए हुए हैं जो ऑलरेडी दूसरी एलिमेंट्री सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी एजुकेशन के लिए टीचर्स हैं क्या उनको शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग देने के बाद उनको इस काबिल बना दिया जाएगा कि वो एसी की टीचिंग कर सके अब ये मरला जो था ये फंड एलुकेशन के बाद फंड की डिस्ट्रीब्यूशन का है कि फंड डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हुआ और उसकी आउटपुट कैसे आई